मूल सनातन धर्म की जय। श्री राम कृष्ण भगवान की जय। श्री शंकर भगवान की जय। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। जगदम्बे मैया की जय। सद्गुरु तेउ राम महाराज की जय। सद्गुरु सर्वानंद महाराज की जय। सद्गुरु शांति प्रकाश महाराज की जय। सद्गुरु हरिदास राम महाराज की जय। सर्व संतन की जय। प्रेम प्रकाश मंडल की जय। अमरापुर दरबार की जय। गंगा मैया की जय। राग आशा भजन इकट्ठ सत्संग संग संग करो। सत्संग संग संग करो। भारत खंड में नर्तन पाया। संतों का सत्संग करो। भारत खंड में नर्तन पाया। संतों का सत्संग करो। सत्संग संग संग करो। सत्संग संग संग करो। सत्संग का यह अर्थ समझ ले। सत वस्तु में प्रीति धर ले। भोगों की आसक्ति हर ले। निर्मल अपना अंग करो। सत्संग संग संग करो। सत्संग संग संग करो। साध संगत में बैठ प्यारे। सत शास्त्र का वचन विचारे। श्वास श्वास हरि नाम उचारे। पाप ताप सब भंग करो। सत्संग संग संग करो। सत्संग संग संग करो। और जोन सत्संग नहीं हो वह अविद्या की निद्रा तुम सो वह। इस तन में सत्संग दुख खो वह। ताते वावा ताहित उर में उमंग करो। सत्संग संग संग करो। संग 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 करो। कहते हूँ जो सत्संग आवे। निश्चय सोई फल को पावे। सत्संग ना कब निष्फल जावे। याद यही पर संग करो। सत्संग संग संग करो। सत्संग संग संग करो। राग आशा भजन इकसठ सत्संग संग संग करो। भारत खंड में नर्तन पाया। संतों का सत्संग करो। इस भजन में श्री गुरु महाराज जी सत्संग संत महापुरुषों का सानिध्य और उनकी कृपा को प्राप्त करने की सद प्रेरणा दे रहे हैं कि भारत खंड में मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ। पहले तो मनुष्य शरीर दुर्लभ। उसके बाद अगर भारत खंड में नर शरीर मिले तो ये बड़ी ईश्वर की कृपा है।
सत्संग का यह अर्थ समझ ले, सत वस्तु में प्रीति धर ले। सत्संग का वास्तविक अर्थ है सत्य के साथ प्रीत जोड़ना, सत्य के साथ मन को जोड़ना और भोग विषयों से आसक्ति को दूर करना। निर्मल अपना अंग करो, अपना अंतःकरण निर्मल बनाओ। सत्संग के सत विचारों को ग्रहण करके उसके अनुसार आचरण करके अपना मनुष्य शरीर सफल करो। साध संगत में बैठ प्यारे, सत शास्त्र का वचन विचारे। सत्संग में बैठ के शास्त्र वचन का श्रवण करो। शास्त्रों ने जो राह बताई है कल्याण की, उद्धार की, बैठ करके श्रवण करके फिर उसका विचार करो। श्वास श्वास हरि नाम उचारे, प्रत्येक श्वास में नाम का सुमरण करो। पाप ताप सब भंग करो, त्रिताप और पापमयी मनोवृत्ति उन सब से छुटकारा प्राप्त करो। और जो न सत्संग न हो वहीं अविद्या की तुम निद्रा सो वह। जितने भी 84 लाख योनियां हैं मनुष्य देह से इतर, उनमें सत्संग सुनने की सुविधा नहीं, विचार करने की सुविधा नहीं। अविद्या की निद्रा में निद्रित जीव अन्य योनियों में ज्ञान की प्राप्ति नहीं कर सकता। इस तन में सत्संग दुख खो वह। इस मनुष्य शरीर में सत्संग सुन के सर्व दुखों की निवृत्ति हो सकती है। इसलिए उमंग उत्साह पूर्वक संत महापुरुषों का सानिध्य प्राप्त करो। कहे टेऊ जो सत्संग आवे, निश्चय सोई फल को पावे। जो सत्संग में श्रद्धा भावना युक्त होकर आता है उसे अमरता के फल की निश्चय ही प्राप्ति होती है। सत्संग ना कब निष्फल जावे, एक घड़ी भी सत्संग की कभी व्यर्थ नहीं जाती। याद यही प्रसंग करो, अनेक इतिहास इस बात के साक्षी हैं कि थोड़ा सा सत्संग इस जीव के मन की दिशा को बदल देता है। तो सत्संग की बड़ी महिमा इस पावन भजन के द्वारा गाई गई। रापुर बाणी पढ़ तुम प्रेमी प्रेम सा, पाय सुमत संतोष है खिमिया जी खाणी। भर लजह में भाव जी रसवा रूहानी, वचन हंडाए पाय पद पूरण निर्वाणी। अंग संग थे साणी हर हंद तो सा सतगुरु, महिमा बेअंत सतगुर टेऊ राम जी, महिमा आबे अंत ठायो जग कल्याण लय प्रेम प्रकाशी पंथ। अनभय बाणी सारचो प्रेम प्रकाशी ग्रंथ, पाए सघे न पार को महिमा आहे अनंत। भगतन लय भगवंत आयो मानुष रूप में, सतगुर टेऊ राम के है उपकार अनंत। दिया मोलक जगत को श्री प्रेम प्रकाशी ग्रंथ, डूबत जीव अपार है भव सिंधु है बेअंत। सेतु बनाया ताहे पर प्रेम प्रकाशी ग्रंथ,
सदवारी जाऊं सदा वारी पर बलहार, जिस वारी पर बैठ के ग्रंथ रचा सुखकार। वारी मरथल जानिए वाणी अमृत धार, वारी पर वाणी बनी ग्रंथ हुआ साकार। सागर मंथन से मिला अमृत घट सुखराश, उर मंथन से प्रगटिया ग्रंथ प्रेम प्रकाश। अंध तमस का दीप लौ जो करती है नाश, अंतरतम में दीप सम वाणी करे प्रकाश। पंथ आपका अमर है और अमर है धाम, ग्रंथ आपका अमर है धन गुरु टेऊ राम। अमरापुर वाणी दो ब्रह्म दर्शनी जान, कविता छंद दोहावली पांच रतन प्रधान। पांच रतन मिलकर बना ग्रंथ प्रेम प्रकाश। पठन मनन से होता है पंच कलेश विनाश। सतनाम साखी प्रेम प्रकाश ग्रंथ की अमृतमयी महिमामयी आनंदमयी करुणा वर्षणी ब्रह्म अमृत वर्षणी अंतरदृष्टि उन्मेषणी सर्वव्याधि विनाशिनी भवपाश विमोचनी कल्याणकारी ये वाणी है। प्रेम प्रकाश ग्रंथ में सिंधी अमरापुर वाणी हिंदी अमरापुर वाणी भजन ब्रह्म दर्शनी कवितावली छंदावली और दुआवली ये पांच रत्न है और इनका अनुवाद सरल अर्थ भाव अर्थ इस श्रृंखला में किया जा रहा है। तो प्रेमी गण उस वाणी का अर्थ समझकर वास्तविक सुख और आनंद की प्राप्ति करें। अनंत अद्भुत रहस्य से भरी हुई गुरु महाराज जी की वाणी है, कहीं पे सरल है तो कहीं पे उलट बासियां रहस्यमयी वचन इस वाणी में भरे हुए हैं। तो उनका भावार्थ इस श्रृंखला के द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है, पढ़ के समझ के मनन करके उनका लाभ प्राप्त करके अपने जीवन को हम सफल बनाएं।